नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर। जनपद बिजनौर के ब्लॉक जलीलपुर के ग्राम दरबड़ की मेन सड़क पर हुए तालाब में तब्दील, ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा भारी परेशानी का सामना। दरअसल यह पूरा मामला जनपद बिजनौर के ब्लॉक जलीलपुर के ग्राम पंचायत दरबड़ का है, जहां पर मेन रास्ता तालाब में तब्दील हो गया है। रास्ते में भरा पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। कई गांव के लोग इस रास्ते से होकर गुजरते हैं और किसान भी इसी रास्ते से अपना गन्ना लेकर गुजरते हैं, लेकिन सालों से भरा पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। लोगों को डर सता रहा है कि कहीं जल भराव की स्थिति से भयंकर बीमारी न फैल जाए। पानी भरा होने के कारण सड़क में गड्ढे बनने शुरू हो गए हैं, जिससे कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। ग्राम प्रधान पति इमामुद्दीन की ओर से पीडब्ल्यूडी विभाग से रास्ता बनवाने की शिकायत की गई है और स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी रास्ता बनवाने की मांग की गई है, लेकिन ग्राम पंचायत दरबड़ के लोगों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसी रास्ते से स्कूली बच्चे भी पानी से होकर स्कूल आते हैं और जाते हैं। स्कूल आने जाने में भी छात्र छात्राओं को इस मार्ग से दर्जनों गाँव के ग्रामीण प्रतिदिन गुजरते हैं। तालाब पर बनी सड़क की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना यहां करना पड़ रहा है। वहीं गांव के ग्रामीणों ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सड़क का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द लोगों को जल भराव की स्थिति से निजात दिलाने की मांग की है। समस्या यह है कि ये पीडब्ल्यूडी की सीसी है और इसमें हर वक्त पानी भरा रहता है। हमने लिख के हर जगह दे रखा, विधायक जी को भी दे रखा है और भी पीडब्ल्यूडी विभाग में भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या आश्वासन है लोगों का? आश्वासन क्या वही है जी, निधि नहीं आ रही है। अभी निधि की वजह से नहीं हो पा रहा काम और पिछले 2 साल से हम इसमें पानी में निकल रहे हैं। सारे गांव वासी परेशान है इससे। हर वक्त ये पानी भरा रहता है, जरा सी बारिश होगी तो भरा रहेगा, वैसे भी हर वक्त ही रहा पानी। अब आप क्या चाहते हैं भाई? सीसी को जल्द से जल्द बनवाया जाए, पीडब्ल्यूडी की सीसी है। समस्या यह है जी, आए दिन हमारी ये डायर और ये रास्ता हमारा बहुत बुरा हो रहा। सरकार से हमारी प्रार्थना है कि वो हमारी समस्या हल करें। क्या दिक्कतें? दिक्कतें यह है जी, पानी भरा रहता है, दिन बारिश हो जाती है, किसान और सभी चीज परेशान है, निकलने बढ़ने से परेशान है। आम रास्ता हमारा, हम ये चाहते हैं जी सरकार से हमारी ये सड़क बन जाए। गोमती नदी में मासूम के गिरने का मामला, 18 घंटों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद बच्चे को नहीं ढूंढ पाई SDRF। प्रशासन के देर से पहुंचने से परिवार के साथ नाराज स्थानीय लोग, धरने पर बैठे। ADM ने पहुंचकर दिया आश्वासन। रात हो जाने पर SDRF ने रोका था सर्च ऑपरेशन। सुबह तड़के फिर से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। SDRF की टीम के साथ स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्चे की तलाश जारी। गोमती नदी में डूबे बच्चे की मिली बॉडी, नदी में डूबे 9 वर्षीय राज सोनकर की बॉडी। 22 घंटे के बाद SDRF की टीम द्वारा बॉडी को गोमती नदी से निकाला गया। लक्ष्मण मेला मैदान रिवर फ्रंट पर खेलते खेलते नदी में गिर गया था मासूम। टूटी रेलिंग की वजह से गिरा था बच्चा। 22 घंटे बाद गोमती नदी से निकाली गई बॉडी, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। सोती रही सुशांत, गोल्फ सिटी पुलिस और लुट गया ATM। लखनऊ में ATM काटकर बदमाशों ने की बड़ी लूट। 40 लाख के करीब नकदी ATM से लूट ले गए बदमाश। लग्जरी कार से ATM लूटने पहुंचे थे बदमाश। सुशांत गोल्फ सिटी से खुरदही बाजार का मामला। HCL चौकी इंचार्ज से लेकर इंस्पेक्टर तक को नहीं लगी भनक। ATM सेंसर अलर्ट के बाद भी नहीं जागी पुलिस। सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर से नहीं संभल रहा थाना। ATM लूट कांड में पुलिस की पकड़ से दूर लुटेरे। 24 घंटे बाद भी लुटेरों का पता नहीं लगा सकी पुलिस। गैस कटर से ATM काटकर लुटेरों ने दिया था घटना को अंजाम। CCTV के आधार पर जांच में जुटे पुलिस के अभी तक खाली हाथ। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र का मामला। अवगत कराना है कि दिनांक 4 अप्रैल की दोपहर करीब 1:30 बजे थाना सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत खुरदई बाजार स्थित एक ATM में उसको काट कर चोरी कर ली गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस तथा उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच में प्रथम दृष्टया जो तथ्य संज्ञान में आए
3/4 अप्रैल की देर रात को संभवतः ये घटना कारित की गई और जब एटीएम के साथ छेड़छाड़ की गई बदमाशों द्वारा इसका एक अलर्ट इस कंपनी के हेडक्वार्टर पे जनरेट हुआ, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप कंपनी से यहाँ लखनऊ स्थित जो सुरक्षा इंचार्ज है इस कंपनी के स्थानीय लेवल पे, उनके पास एक अलर्ट रात को ही भेजा गया मैसेज और कॉल के माध्यम से, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई, बल्कि अगले दिन 4 अप्रैल को इनके द्वारा आकर मौके पर एटीएम की जांच की गई। जब इनको ज्ञात हुआ कि एटीएम में चोरी हो गया है, उसके बाद 4 अप्रैल की दोपहर करीब 1:30 बजे थाना पुलिस को इनके द्वारा सूचित किया गया। जब सभी उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ की गई, इस घटना के शीघ्र सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया है। हम सभी बिंदु पर जांच कर रहे हैं, सूचना पुलिस को देने में जो विलंब हुआ है इस दिशा में भी हम जांच कर रहे हैं और जल्द ही इस घटना का सफल अनावरण हमारे द्वारा किया जाएगा। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गजरौला खास निवासी रामचंद्र मंगलवार सुबह घर से फार्म हाउस पर गए हुए थे। देर शाम वापस न लौटने पर परिजनों ने तलाश की, लेकिन रामचंद्र का कोई भी सुराग नहीं लग पाया। बुधवार को रामचंद्र का शव जटपुरा नहर के पास खून से लथपथ मिला। शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। शव को देखने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मौके पर पहुंची पूरनपुर कोतवाली पुलिस द्वारा शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि परिजनों द्वारा फार्म हाउस स्वामी पर 10 सालों से मजदूरी न देने व हत्या करने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पूरनपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की लाश जटपुरा नार पटरी पर पड़ी हुई है। पुलिस तत्काल वहां मौके पहुंचे। प्राथमिक जांच पता चला है कि मृतक व्यक्ति का नाम रामचंद्र है, जिसकी उम्र लगभग 62 साल है। वह सुखदेव सिंह के यहाँ काम करता था, पिछले 20 सालों से वहाँ काम कर रहा है। और कल दोपहर में मृतक के परिजनों से बातचीत हुई थी फ़ोन पर, लेकिन शाम को जब उन्होंने फ़ोन मिलाया तो वहाँ फ़ोन उसका स्विच ऑफ आया। आज उसकी सुबह डेड बॉडी मिली है। पुलिस तत्काल मौके पहुँच करके शव का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम करा रही है। परिजनों द्वारा जो भी तारीफ दी जाएगी उसमें तत्काल अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सुल्तानपुर में कांग्रेसियों का उमड़ा जनसैलाब। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खबरी, प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में हो रहा प्रदर्शन। मशाल जुलूस निकालने के दौरान कांग्रेसियों की पिटाई से कांग्रेसी नाराज, ज्ञापन सौंपकर आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की कर रहे हैं मांग। जुलूस निकालकर पहुंचे सभी कांग्रेस कार्यालय, नगर के तिकोनिया पार्क में चल रहा था प्रदर्शन। फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाजत। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जीपीएन 24।